लोग कहते हैं कि लाइफ इज अ रोलर कोस्टर राइड, यू शुड एंजॉय इट, बट हाउ डू यू एंजॉय अ राइड दैट इज गोइंग ऑन फॉर एवर? लाइक सेक्स, मतलब पहले राउंड में तो बहुत मजा आता है पर दूसरे राउंड में एक्साइटमेंट खत्म, अनलेस कि कुछ अलग ना हो, राइट? And I think I am stuck in a loop. बाबे यार, ये रात भर उल्लू बन के ना, ये उल्लू ऐप देखना बंद करना पड़ेगा। फैंचो पूरा मैटर खराब हो जाता है। देख देख कैसे लाश की तरह पड़ा हुआ है। वो भाई कुछ पर्पस है तेरी लाइफ का? हैं? अबे खुश है तू अपनी लाइफ से? और रोनी खुश है तू अपनी लाइफ से? हेलो भाई, खुश का तो पता नहीं। हाँ पर मजे बहुत आ रहे हैं यार, बढ़िया लग रहा है सब। हाँ हाँ, पर मुझे नहीं आ रहे यार। यार लाइफ का मैटर क्लैक्स हो रखा है यार। यार रोज की वही कहानी, उठो माँ की गाली खाओ, बाप की प्रॉपर्टी डीलर की दुकान में जाके दिन काला करवाओ, यहाँ पर आके तेरे साथ रात काली करवाओ। मेरे साथ तेरी रात काली होती है? नहीं, बहुत गोरी रहती है मेरी रात। ओ भाई, इतने अच्छे आर्टिस्टों की तुझे कलाकारी दिखाता हूँ, वो भी HD में। तुझे पता है कितनी मेहनत लगती है एक स्टोरी लाइन वाली पॉन ढूंढने में? क्या समझेगा यार तू? और भाई, ये सब ना मैं अपने फायदे के लिए नहीं करता, तेरे लिए करता हूँ, क्योंकि तुझे एक राइटर बनना है मेरे भाई। इसको देख, सीख और इंस्पायर हो। और इंस्पायर होकर क्या लिखूं? ऊ आ ई चोक मी डैडी। क्रिएटिविटी सब्जेक्टिव, मतलब जो तेरे लिए पार्ट है वो मेरे लिए आर्ट है, समझ रहा है ना? समझ तो रहा हूँ, अब तू समझ मेरी बात। देख वैसे सब कुछ है मेरी लाइफ में, एवरीथिंग इज गुड, पर ना कभी कभी मेरे को अकेला फील होता है, मतलब यू नो आई नीड सम लव। मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ कोई एक ऐसी पार्टनर हो, ऐसी जी, 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 नहीं, 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 नहीं। बहुत चूतिया साउंड कर रहा है। नहीं बिल्कुल नहीं। अब समझा मैं, तेरे दिल की थिएटर में ना बहुत दिन से एक्शन फिल्म नहीं चली, तभी तू इतना ट्रेजिक साउंड कर रहा है। अब समझा मैं। ओह रोनी, जिस्म की बातों से तो आगे बढ़ जा, अरे आत्मा के मिलन नाम की भी कोई चीज होती है? नहीं होती। भोसड़ी के तू तांत्रिक वांत्रिक है क्या? क्या आत्मा प्रेत, तू पागल है क्या? तू क्या हो गया तुझे? यार भाई मेरे को एक ऐसी लड़की चाहिए जो पार्टनर ना हो मेरी, वो मेरी एक दोस्त हो। दोस्त दोस्त है? अबे मोनिश बहल ने कितनी बार समझाया है कि एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते मेरे भाई। ये तो बस एक पर्दा है, पर्दा। कब कब आती रातों में धड़कते हुए दिल की भड़कती हुई आग को बुझाने का, छुपाने का। एक तू ही तो थी जिसकी कमी थी। मैं? हो सकता है। बस एक बार छूने दे। भाई छूने होने की नहीं हो रही यार, क्या मैं फालतू बकवास मत कर यार। बस एक बार। अब देख यार, तू जिद कर रहा है तो पैसे लूंगा मैं, ठीक है? और यहां सिर्फ डॉगी हो पाएगा। आजा फटाफट, जल्दी आ। दिया तूने।
मुझे लगा आज हम अपने रिश्ते को नए लेवल पे लेके जाएंगे। मूड खराब कर दिया पूरा तूने। रॉनी अब यही करेगी तेरे भाई का लूप ब्रेक। क्या तू सब समझ गया? मैं मेरे भाई, मैं कह रहा था कि उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन निकाल। अब तो इंफॉर्मेशन निकाल के बात करेगा, उसके बाद दोस्ती करेगा, उसके बाद प्रपोज करेगा। वे चूतिये, वे नॉर्मलो वाली हरकतें क्यों कर रहा है यार? वे नॉर्मली जाएंगे, सीधे अगवा करेंगे उसको और कहेंगे, सुन, जब तक भाई की बंदी नहीं बनती तब तक तुझे छोड़ेंगे नहीं। ये तेरे नॉर्मल सी के चक्कर में ना मैटर क्लैक्स हो जाएगा। सुन, सभ्य साधारण इंसान की तरह बिहेव करते हैं, फूक फूक के कदम रखते हैं, फूक फूक के कदम रखते हैं। हाँ ठीक है, ओके। और कोई भी क्रीप हरकत नहीं करनी, कोई भी क्रीप हरकत नहीं करनी। ठीक है, समझ गया। हाँ अरे समझ गया, हाँ समझ गया, समझ गया। बाबे यार, यार ये दोस्ती ना मोमोज की चटनी चाटने और बंदी की इंफॉर्मेशन बांटने तक ही होनी चाहिए। ये सब क्या कर रहा है यार तू? ऊपर से इनके पैसे भी नहीं मिलने। ओ गरीब का जग जेन्युइन तरीके से निकाल लियो। बाबे तू टेंशन ना ले, मैं देख लूंगा। नमस्ते, वो जनगणना वाले हैं तो आपका थोड़ा डिटेल चाहिए होगा। पर जनगणना तो 2 हफ्ते पहले हुआ है ना? मैडम डेवलपिंग नेशन है हमारा, 1 हफ्ता में कितना बच्चा लोग डेवलप हो गया होगा आपको नहीं पता। अरे सरकारी काज है, आपको नहीं बुझाएगा। आप ऐसा करिए, नाम बताइए। गर्विता सिंह। गर्विता, गौरव, गर्विता, गौरविता। क्या? नहीं कुछ नहीं। कोई बॉयफ्रेंड, पति वगैरह कोई है आपका? इन सबसे जनगणना का क्या लेना देना है? अरे क्यों नहीं लेना देना है, बिल्कुल लेना देना है। अगर हुआ तो बढ़ने का रिस्क है ना, ऐसे भी आजकल मौसम बारिश वाला हो रहा है, तभी में मूड बन जाता है लोगों का। तो वैसे भी सरकारी काज है ना, आपको नहीं बुझाएगा। आप बताइए। नहीं है कोई। नहीं है, नहीं है, यानी सिंगल हो? कहाँ होती है ऐसी लड़कियाँ। हाँ, काम क्या करती हो? पेडलर हूँ। है? आईटी फर्म में सॉफ्टवेयर डेवलपर। सॉफ्टवेयर। फिगर? 30-26 ए। एक सेकेंड। सैलरी फिगर? मैं सैलरी फिगर पूछ रहा था, बताइए। ये सब जनगणना वाले तो नहीं पूछते। क्यों नहीं पूछते? पूछते हैं? आपको नहीं लग रहा कि हम जनगणना वाले हैं? शक हो रहा है क्या? अरे आईडी दिखाते हैं, रुकिए आप एक मिनट। अरे साला आईडी भूल गए घर पे, अभी लेके आते हैं। ठीक है, हो गया हो गया। हाँ गर्विता। हेलो। हाँ यार भैया, हो गई सेटल। बस एक बीटी है, बाई नहीं मिल रही है। बाई बाई बाई। अरे यार मैंने तुझे बंदा बनाने के लिए कहा था, तू बाई बनाने के लिए कह रहे। ओ यार मैं वो वाली योजना में नहीं मानता, गांधी जी वाली योजना में भाई बना के। मेरे भाई मेड की बात कर रहा हूँ, हाउस हेल्प मेड, समझा? चूतिया। हाँ तो बन जाएंगे हाउस हेल्प। अरे तो गोविंदा भी तो बना था करिश्मा कपूर के लिए। अरे बावर्ची में तो हम भी बन जाएंगे हाउस हेल्प, क्या दिक्कत है? उसको फीमेल चाहिए लोड़ू। मेल में क्या दिक्कत है? मेल में दिक्कत ये है कि हम मेल है यार, हमने ना कुछ अच्छा काम किया नहीं है सोसाइटी में कि एक अकेली मादा लड़की एक नर जाति को अपने घर में पना दे ना भाई। तो अब
क्या सेक्स चेंज करा ले। अबे क्या यार गौरव, तू क्यों फालतू सर मार रहा है, छोड़ ना। वैसे भी ना एवा एडम्स की नई वीडियो आई है, तुझे वो दिखाता हूँ पहन। चल रॉनी मेरे भाई, तू जीनियस है, जीनियस। ओ भाई ठीक है, आजा। अभी क्यों चिल्ला रहा है, अभी तो वैक्स लगी है। ओके रिपोर्ट। सारा काम जानते हो ना? हाँ जी दीदी। ओ, ओ, बेटा मैडम कर्विता इज फाइन। ठीक है फिर कल से स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा नाम? गौरव है। एक्चुअली ना ये मेरा ना निकनेम है, और मेरा ना मेरा नाम है गुद्दी से एक दूंगा मैं गुद्दी। ओ मेरा नाम है गुड्डी, गुड्डी, गुड्डी। नाइस। ठीक है गुड्डी, फिर कल से स्टार्ट करते हैं। कल से क्यों मैडम, आज से कर लेते ना। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले हो गई, बहू करेगी कब। बहुरी है नी? बहू नहीं बहुरी। आपकी बहू भी है? दोहे में बहू नहीं है। तो दोहे में बहू करेगी भी क्या, बहू तो घर पे होगी ना। ठीक है अभी से स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। वैसे मैडम आप अकेली रहती हो? गर्वता ये कौन है? भैया वो मैंने आपको बताया था ना बाई के बारे में, बाई नहीं मिल रही है। ये वो ही हमारी मेड है, मिल गई है। बड़ी अच्छी बाई ढूंढी है। आ जाओ गुड्डी तुम सारा काम देख लो। आओ आओ।
रॉनी जल्दी खाने का जुगाड़ कर, नहीं तो मैटर क्लैक्स हो जाएगा। तो यहाँ तराशा जाता है हीरा। पता नहीं लड़कियों के वॉशरूम में अलग ही है यार, अलग ही खुशबू आती है। एक रॉनी को वॉशरूम देखो, साला ऐसे लगता है किसी ने मैंने लाशें गाड़ रखी है। ये क्या फूल भू लगती है क्या इसमें? जेन्युइन। ऐसी चीजें बंद दरवाजे में ही तो अच्छी लगती है। देखिए 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 मैं शादी में आया। कुछ गलत कर दिया क्या मैंने? चलो सॉरी फिर। क्या हुआ गुड्डी? कुछ नहीं दीदी, वो थोड़ा ना बस सर में दर्द हो रहा था। तो हेड मसाज ले लो। भैया बहुत सही हेड मसाज देते हैं, यू विल फील बेटर। सिर्फ हेड नहीं, पूरी बॉडी के मजे दे दूं, आई मीन मसाज कर दूं। हाँ मुझे तेरे बारे में सब पता चल चुका है गुड्डी। गुड्डे को गुड्डी के बारे में क्या पता लगा है ये आपको पता लगेगा अगले एपिसोड में, एपिसोड 2 में। एंड इफ यू लाइक दिस एपिसोड सो प्लीज डू कमेंट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। और सब्सक्राइब भी, सब्सक्राइब बहुत जरूरी है भाई।